सवाल ये है, क्या जुमे के दिन जुमे की अजान होने के बाद इंसान कारोबार कर सकता है, दुकान वगैरह खोल सकता है, नहीं खोल सकता है? तो उसका जवाब ये है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ तौर से फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुआ फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैया। ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद व फरोख्त को, बे को छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अजान सुनकर खरीद व फरोख्त को छोड़ देना, सिर्फ खरीद व फरोख्त को छोड़ना ही मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद हैं वो तमाम काम, वो तमाम मशागिल जो नमाज से रोकने वाले हैं। इसलिए जुमे की अजान के बाद खरीद व फरोख्त करना भी जायज़ नहीं है, न बेचना जायज़ है, न खरीदना जायज़ है। इसीलिए मुसलमान दुकानदारों को चाहिए कि अजान सुनते ही वो नमाज का अहतमाम करें और नमाज के लिए लपके। बहुत सारे इंसान चंद रुपयों के नफ़े के लिए, चंद रुपयों के फ़ायदे के लिए, बिक्री के लिए दुकानें खुली रखते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम, कि अपने कारोबार को बंद कर देना, कारोबार को छोड़ देना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझते हो कि हकीकत तुम जानते हो कि नफ़ा किसे कहते हैं। मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दूल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।